हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है एक और नए डिमांडिंग वीडियो के साथ। हमारे एक व्यूवर हैं जिन्होंने कमेंट किया था कि सर मुझे 44 बाई 48 फीट यानी कि 44 फीट बाई 48 फीट का प्लॉट है जिसके अंदर मुझे ग्राउंड फ्लोर पे कम्युनिटी हॉल चाहिए और फर्स्ट फ्लोर पे हमें रेसिडेंशियल चाहिए। तो पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मनोरंजन पाल जी ने कमेंट किया है। मनोरंजन जी, मुझे 44 बाई 48 कम्युनिटी हॉल एंड फर्स्ट फ्लोर रेसिडेंशियल रूम का प्लान चाहिए। ओके, तो मनोरंजन जी, आपके लिए ये प्लान बन के तैयार है और इस प्लान को आप ध्यान से देखिएगा, आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, डायमेंशन आपका क्लियर दिख रहा है, 44 बाई 48 का ये डायमेंशन है जिसके अंदर मैंने कम्युनिटी हॉल में। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको पार्किंग एरिया मैंने दिया है जो कि आपको 530 यानी 530.84 स्क्वायर फीट का ये पार्किंग एरिया जिसमें आपको 2-3 4 व्हीलर तो आराम से पार्किंग हो जाएगा। यहाँ पे आप मैंने स्टेयरकेस दिए है जो कि 10 फीट दस फीट 10 इंच बाई 11 फीट 10 इंच का है जो कि ऐसे आप जाकर के इस तरह से है। और यहाँ इसके बगल में मैंने लिफ्ट दिया जो कि 7 फीट बाई 4 फीट का है। इन फ्यूचर अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाना चाहेंगे और तो इसमें लिफ्ट का शेड्यूल देना जरूरी होता है। और यहाँ पे कम्युनिटी हॉल है जो कि आपको 858.62 स्क्वायर फीट का एक बड़ा सा कम्युनिटी हॉल है। यहाँ पे मैंने दोनों तरफ से तीनों तरफ से यानी कि तीनों साइड से तीनों आपके जो नेबर साइड से होंगे, अगर आपका स्पेस खाली है तो सही है, आप नहीं देंगे ऑफसेट नहीं है खाली तो दोनों तीनों तरफ से आप 2-2 फीट ऑफसेट दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 फीट का तीनों साइड से ऑफसेट छोड़ा है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि एक जो है यहाँ पे 2 टॉयलेट हैं क्योंकि एक मेंस टॉयलेट है एक वुमेंस टॉयलेट है। यहाँ से एंट्रेंस है, इसका डायमेंशन आप लोग देख सकते हैं 5 फीट 9 इंच बाई 5 फीट का है। दोनों में आपको थोड़ा सा वेसिंग एरिया भी दिया गया है और यहाँ पे मतलब फ्रेश वगैरह होने के लिए कम्युनिटी हॉल में काफी काफी टाइम लगता है। वहाँ पे बड़ा बड़ा मीटिंग होते हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पे मैंने 2 टॉयलेट दिए हैं। यहाँ पे दूसरे टॉयलेट का साइज है 5 फीट 4 इंच बाई 5 फीट का। तो आप अपने जितना चाहे उतना इसमें कमोड दे सकते हैं, उतना पार्टीशन वगैरह इसमें चाहे तो दे सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। ये तो हो गया आपका फर्स्ट फ्लोर का प्लान। तो ये फर्स्ट फ्लोर में सिर्फ मैंने कम्युनिटी हॉल और पार्किंग स्पेस दिया है। आई होप कि मनोज जी आपको ये प्लान पसंद में आया। अब मैं आपको फर्स्ट फ्लोर का प्लान दिखाना चाहूँगा जिसमें आप रेजिडेंशियल चाहते थे। तो ये फर्स्ट फ्लोर का प्लान है, देखिए यहाँ जैसे ही स्टेयर्स आप ऊपर आएंगे यहाँ पे आपको बरांडा मिल जाएगा जो कि आपको 15 फीट 1 इंच 15 फीट बाई 11 फीट 3 इंच का बरांडा है। यहाँ से एंट्रेंस है गेस्ट रूम का जो कि 15 फीट बाई 16 फीट 8 इंच का गेस्ट रूम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर आपका मतलब क्लियर व्यू है यहाँ पे कि आपको इसमें 2 गेट है। इसमें यहाँ से एक एंट्रेंस हो सकता है और एक एंट्रेंस यहाँ से हो सकता है जो कि डाइनिंग हॉल में जाता है। और यहाँ से मेन एंट्रेंस है जो कि आपको डाइनिंग हॉल लिविंग हॉल ये सारे में जाता है जिसका आपको डायमेंशन है आपको 27 फीट 6 इंच बाई 11 फीट। इंच है जो मैं आपको देख के आपको करेक्ट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे 11 फीट 7 इंच, ठीक है। तो 11 फीट 7 इंच का है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा हॉल हो गया, आप देख सकते हैं क्लियर। यहाँ पे नीचे एक कॉमन टॉयलेट है और इसमें बाथरूम और टॉयलेट दोनों सेपरेट कर सकते हैं आप चाहे तो। और यहाँ पे एक कॉर्नर पे मास्टर बेडरूम है जो कि 15 फीट 5 इंच बाई 14 फीट 10 इंच का है। और यहाँ पे एक और बेडरूम है जो कि आपको 11 फीट 8 इंच बाई 14 फीट 4 इंच का। और यहाँ पे आपको पूजा रूम है देख सकते हैं 5 फीट 5 इंच बाई 10 फीट का है जो यहाँ पे देख सकते हैं क्लियर। 4 फीट 10 इंच का एक बड़ा सा आप स्पैन मिलेगा, यहाँ पे बड़ा सा जगह है तो यहाँ पे इसका यूटिलाइज आप लोग डाइनिंग टेबल पे आकर कर सकते हैं। तो इस जगह को मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है तो ये थी आप देख सकते हैं क्लियर।
किस तरह से दिया गया है। और यहाँ पे किचन है जो कि आप लोग कॉर्नर पे दिया है मैंने, ओपन किचन चाहे तो जैसे, नहीं तो यहाँ अपने सेपरेट किचन जा सकते हैं। इसका डायमेंशन आपको 9 फीट 7 इंच बाय 10 फीट का है, इसमें भी 2 विंडो लगे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से मैंने इस प्लान को बनाया है, बहुत ही प्यारा प्लान बन करके आया है। और यहाँ पे देख सकते हैं लिफ्ट वगैरह का भी शेड्यूल है, तो इसको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी बना सकते हैं मनोरंजन जी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ दबा के शेयर कीजिए अपने अपने कम्युनिटी में, आप जिनको दिखाना चाहते हैं उनके साथ शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।